अगर आप काफी मेहनत कर रहे हो, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सो गाइज, यूट्यूब दिन पर दिन कुछ ना कुछ चेंजेज करते रहता है, जिससे आप लोगों को काफी मजा आता है। और ये बात यूट्यूब ने खुद क्लियरली बोल दिया है कि हमको इधर उधर करने में काफी मजा आता है। तो यूट्यूब ने क्या चेंजेज किया है जानेंगे इस वीडियो में, और इससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, हमको इससे मजा आएगा कि नहीं, ये तो आप खुद डिसाइड करोगे। तो चलिए, बने रहना इसके लिए वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में यूट्यूब ने क्या अपडेट किया है और क्या मतलब चेंजेज किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं सीधे मुद्दे पर। सो गाइज, आप लोग अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हो, शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो, लाइव स्ट्रीम करते हो, या कम्युनिटी टैब भी अपलोड करते हो, सारा कुछ अपलोड करते हो, और आपको उसका एनालिटिक्स चेक करना रहता है, तो आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर में जाते हो और ऑल पर क्लिक करते हो, तो सारा वीडियो का मतलब एनालिटिक्स एक ही में आपको दिखाया जाता है। बट अब ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जो चाहता था सिंपली वैसा ही हुआ। अब मैं मेरे चैनल पर जितने भी शॉर्ट वीडियो अपलोड है, मैं उसका एनालिटिक्स चेक करना होगा तो सिर्फ एक क्लिक में आप चेक कर सकते हो। सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहीं पर ऑल पर क्लिक करना है। एनालिटिक्स में आकर ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा वीडियो का एनालिटिक्स दिखाएगा, और वहीं पर आपको वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, और शॉर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, और लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिलेगा, और कम्युनिटी टैब का भी ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको शॉर्ट का एनालिटिक्स चेक करना होगा, तो आपको शॉर्ट पर क्लिक कर देना है, वहीं पर आपको सारा शॉर्ट का एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो, और उसका अर्निंग भी आप जान सकते हो। शॉर्ट वीडियो पर हमारा कितना अर्निंग हुआ है, सारा कुछ वहीं पर आप जान सकते हो। और लॉन्ग वीडियो का जानना होगा तो सिंपली आपको लॉन्ग वीडियो पर क्लिक करना है, और वहीं पर आपको सारा कुछ लॉन्ग का भी देख सकते हो, और लाइव स्ट्रीम का भी देख सकते हो, सारा का सारा एनालिटिक्स वहीं पर चेक कर सकते हो। तो ये काफी अपडेट बढ़िया है, ये चेंजेज काफी मुझे बढ़िया अच्छा लगा। और आप लोग अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं करते हो, या लाइव स्ट्रीम नहीं करते हो, और कम्युनिटी टैब अपलोड नहीं करते हो, तो आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। और यही फीचर सेम आपको YT स्टूडियो में भी देखने को मिलेगा। सिंपली आपको YT स्टूडियो ओपन करना है, और वहीं पर आपको रिच का ऑप्शन जो मिलता था, अब वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिंपली आपको वहाँ पे रिच जहाँ लिखा रहता था, आपको वहाँ पे कॉन्टेंट लिखा हुआ आएगा, और ये फीचर आपको आने वाले 2 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया अपडेट है और काफ़ी अच्छा चेंजेज है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये चेंजेज कैसा लगा। हमें तो काफ़ी बढ़िया लगा, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।